फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में चल रहे एक्सपो कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। इस मौके पर तमाम फरीदाबाद के उद्योगपतियों की तरफ से बिजली मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि एक्सपो का ये तीसरा कार्यक्रम है जिसमें एक एक छत के नीचे सभी उद्योगों के उत्पाद को देखने का मौका मिलता है। ये कार्यक्रम आईएमटी एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया है। जो औद्योगिक एक्सपो में आईएमटी में आए हैं और यहाँ आकर शायद आपको पता लगा होगा कि देश विदेश के उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हैं, कैसा अनुभव आपका रहा देखकर? मैडम फरीदाबाद, मैं ज्वाइंट पंजाब की बात कर रहा हूँ। जब पंजाब हरियाणा एक था तब भी फरीदाबाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था। गुड़गांव रेवाड़ी ये सब बात क्यों आई है और पेरेंट ये रहा है, तब से इंडस्ट्रीज को बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया। जितना कभी 1600 साल में आदमी ने जितना ज्ञान अर्जित करा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में हो गया। जितना 150 साल में नॉलेज अर्जित करा वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 18 साल में, जितने 18 में है वो आज 5 साल में हो गया। आईएमटी एक बहुत बड़ा माइलेज लेके जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। जैसे मोदी साहब का स्टार्टअप का मामला है उसमें सबसे पहले पिकअप करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और मानेसर, पलवल, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। आज पूरे देश का जब भी कोई आदमी इंडस्ट्री आता है सबसे पहले देखता है पावर पोजिशन क्या है। औद्योगिक एक्सपो का आगाज हुआ है, उद्योगपतियों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्या कहेंगे औद्योगिक नगरी के उद्योग? देखिए यहाँ फरीदाबाद में एक आईएमटी एसोसिएशन ने, प्रमोद राणा जी और सारे उद्योगपतियों ने अच्छी शुरुआत यहाँ पर, सेकंड है ना ये थर्ड तीसरा एक्सपो यहाँ पर लगाया है और मुझे हर इनके एक्सपो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक छत के नीचे फरीदाबाद में जितना हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्रियाँ हैं, सबका जो उत्पादन है एक छत के नीचे सबको देखने का मौका मिलता है। और फरीदाबाद क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और हरियाणा की जीडीपी में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो रोज़गार देने का मामला हो, चाहे रेवेन्यू देने का मामला हो, चाहे और दूसरे जीडीपी का मामला हो, बहुत बड़ा टैक्स के रूप में फरीदाबाद से जाता है नौजवानों को। और नई तकनीक के साथ साथ यहाँ के उद्योग बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहे हैं और आदरणीय मोदी जी की सरकार में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी क्रांति आई है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव कभी देखने को नहीं।